व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे स्टूडेंट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मींस अ रिलेशन इन्वॉल्विंग थ्री थिंग्स, एक रिलेशन जो थ्री थिंग्स से मिलकर बना है. कौन कौन सा? फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और थर्ड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मींस एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर थ्री थिंग्स होती है हमेशा, थ्री थिंग्स से मिलके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है. अगर आप बेसिक डिफाइन नोट करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन इन्वॉल्विंग थ्री थिंग्स, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. बहुत बेसिक से डिफाइन है डिफरेंशियल इक्वेशन की. अब अगर एग्जांपल की बात करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, मान लिया dy by dx plus 4xy is equals to x square plus 1, या 4y is equals to x square plus 1, ये differential equation है, right? Suppose e to the power x dy plus e to the power y dx is equals to 0, ये भी differential equation की form है, ये भी differential equation की form है. आप चाहे तो partial भी ले सकते हैं, x del u by del x plus y del u by del y is equals to 2u लिखा हुआ है, ये भी differential equation की form है. तो ये सब differential equation है, क्यों है? Because इनमें वो तीन three things follow कर रही है, means ये एक relation बना रही है. कौन सा? एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डेरिवेटिव. हम देख सकते हैं यहां पे, ये रहा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये रहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये रहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये रहा रिलेशन किसका? डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में. सेम थिंग यहां पे भी, ये रहा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, और रिलेशन मींस डेरिवेटिव भी है डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में. सेम थिंग पार्शियल में भी यही होता है, राइट. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक से बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन में थ्री थिंग्स हमेशा होगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डेरिवेटिव जो कि डिपेंडेंट का होगा विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, राइट. अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाई डीएक्स की, तो वाई और एक्स की फॉर्म में बन जाएगा, और अगर डीएक्स बाई डीवाई है तो फिर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे, राइट. अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट थिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो सेकंड पॉइंट है. फर्स्ट हमने देखा अब डिफाइन, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर की. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट डेरिवेटिव इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट डेरिवेटिव, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाइएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का बनेगा, राइट. मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा. हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि मैम ये तो बहुत सिंपल है. यस, ये सिंपल है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट. बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप आगे की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. अगर बेसिक और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो आप आगे डिफिकल्टी लेवल को बहुत ईजी से हैंडल कर पाएंगे, राइट. तो अब आ जाते हैं इस पे ऑर्डर, जो ऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, राइट. तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, मान लिया मैंने ऐसा लिखा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस फाइव एक्स डी वाई बाई डी एक्स, या फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, राइट. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ली, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मुझे ऑर्डर पता करना है तो मैं क्या देखूंगी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? ये है. इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होने वाला है, राइट. तो यू कैन इजीली से मी कि मैम यहां पे जो ऑर्डर है इस डेरिवेटिव का, ये सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है. तो अब ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. अब सेम थिंग अगर हम बात करें ऑर्डर के साथ साथ डिग्री की भी बात करें स्टूडेंट्स, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी, राइट. तो सेम थिंग अब यहां बात करें, इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है? डिग्री आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव
की पावर है वही क्या होगी, डिग्री होगी। तो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो ये डिग्री कितनी हो गई, फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है, राइट। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री या पावर होगी वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी, राइट। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहां आपको दिख रहा है, ऑर्डर तो बन गया सेकेंड, क्योंकि यह सेकेंड ऑर्डर है, और इस सेकेंड डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है, 1, तो ये बन जाएगा 1, राइट। अब मेरी बात सुनिएगा कि ये जो डिग्री है, ये डिग्री कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, ये जो डिग्री आने वाली होगी वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, राइट। डिग्री, ये जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात कर सकते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं ली जाएगी, राइट। अगर फ्रैक्शन में है, कहीं ऐसा है किसी इक्वेशन या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसा है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर मान लिया यहाँ पे 1/2 है, या कोई, अभी हम एग्जांपल वैसे वो भी डिस्कस करेंगे, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर आ रही है वो फ्रैक्शन में है, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर की फॉर्म में, और फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है, राइट स्टूडेंट्स। तो बहुत बेसिक सी बात है, ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर, डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री। अब देखते हैं इन ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड गेट प्रॉब्लम्स, ओके, लेट्स सी द गेट प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस पे जितनी भी गेट प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी सिंपल सिंपल हैं, उनमें से कुछ हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेट 2009 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में है d2y/dt2 +dy/dt3 +y4 = e^(-t)। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर बताना, इट मीन्स हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन means order of the highest derivative in that equation। सबसे पहले बात करते हैं highest derivative की, जो मुझे दिखाई दे रहा है कौन सा, ये, अगर ये highest derivative है और ये derivative कितने order का है, second order का है, तो differential equation का order भी क्या हो जाएगा, second हो जाएगा, right? तो ये differential equation second order की हो गई। अब अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पूछा होता कि डिग्री भी बताइए, तो डिग्री क्या हो जाती, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री हो जाती। तो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो डिग्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 1 हो गई, राइट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ओके। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो गेट 2010 सिविल ब्रांच में आया था, और ये क्वेश्चन पूछा है आपसे डिग्री और ऑर्डर दोनों के लिए। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम जानते हैं ऑर्डर के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर तो मुझे यहां से क्लियर दिख रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना हो जाने वाला है, 3 हो जाने वाला है, राइट। लेकिन जब हम डिग्री पे आएंगे, तो अभी आपको यहां पावर 1 दिखाई दे रही है और यहां पे फ्रैक्शन में वैल्यू है। मैं आपको बता चुकी हूं ऑलरेडी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है तो वो डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, राइट। फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर ये पूरी इक्वेशन भी अगर फ्रैक्शन में है, तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ये है। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, d³y/dx³ इसको ट्रांसफर कर दें -4√dy/dx³ +y², इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड हो जाएगा, ये बन जाएगा d³y/dx³² और ये बन जाने वाला है कितना स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग हुआ तो यहां से बन जाएगा -16 -4² ये -, +16 dy/dx³ +y², राइट। अब मुझे यहां से पूछ रहा है क्या कि इसकी डिग्री बतानी है, तो ऑर्डर तो वैसे भी मुझे दिख रहा है थर्ड डेरिवेटिव, आप चाहे यहां से लें चाहे यहां से लें, ऑर्डर तो 3 रहने वाला है। अब डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिग्री हो जाने वाली आपकी कितनी, 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2 और ऑर्डर कितना हो गया, 3, राइट। अब बस डिग्री में आपको ये ध्यान रखना है कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, पावर हमेशा इंटीजर में होनी चाहिए। जिसकी भी आप बात करें, जिस डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात करें, उसकी पावर इंटीजर में होनी चाहिए, राइट। तो वही काम हमने यहाँ किया और बहुत बेसिक सा है, राइट। और डिग्री पे बेस्ड गेट प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, जो बहुत बेसिक सी है और सिंपल सी है, मोस्ट ऑफ इवन सारी की सारी, आप चाहे किसी भी बुक में देख लीजिए, आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, सारे गेट क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं
जो बहुत बेसिक से हैं। ओके, तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ये तो था ऑर्डर और डिग्री, अब बात करते हैं हाउ टू फॉर्मुलेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, राइट। अब बात करते हैं हाउ टू फॉर्मुलेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें स्टूडेंट्स, मान लो दो एग्जांपल मेरे पास में है, मुझे दोनों से क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको करनी है वो है टू एलिमिनेट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, एलिमिनेट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं आपको उन सबको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा हमारे पास होती है उसमें कोई भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, राइट। अब बात करें कि मैम कैसे एलिमिनेट करेंगे, हाउ टू एलिमिनेट, हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। सपोज इसका मुझे इस फंक्शन से y square is equals to 4ax से इस कर्व के लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, या इस कर्व के लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे, और तब तक करते जाएंगे जब तक कि आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव नहीं हो जाए, राइट। अब सपोज किसी फंक्शन में या किसी कर्व में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर वहां पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आप कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ओनली वन टाइम डिफरेंशिएशन से काम हो जाएगा हमारा। सपोज दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो टू टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आपको n टाइम वहां पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा, राइट। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है फॉर्मुलेट, हाउ टू फॉर्मुलेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले y square is equals to 4x, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट की, जो मैंने वर्ड यूज किया है आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट मींस एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट कैन बी चेंज, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, राइट। तो यहाँ पे y square is equals to 4ax है, इस y square is equals to 4x हम जानते हैं एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, इसके लिए अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनेगी, तो इसके लिए मुझे इस a को, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, राइट। क्योंकि यहां पे सिर्फ एक क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन भी कितने बार होगा, सिर्फ एक बार होगा, राइट। तो हम करने वाले हैं वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिए, 2y dy by dx is equals to 4ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4a only, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसा dy by dx is equals to 4a by 2y, और we can write dy by dx minus dy by dx minus 2 by y a is equals to 0। अब हम में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम ये तो आंसर हो गया फाइनल, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, मेरा काम हो गया, राइट। हो तो गया, लेकिन अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ठीक से देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, और मैंने आपको बताया है कि की रूल है फॉर्मुलेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने का, कि उसमें कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस a की वैल्यू को हटाना है, a की वैल्यू कुछ रखनी है, तो हम यहां से रख सकते हैं a is equals to, we can put y square by 4x, या अगर आप चाहें तो इसको as it is रहने दीजिए, इस 4a की वैल्यू रख दीजिए y square by y, यहां भी आप वैल्यू रख सकते हो, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूं, ये बन सकता है 2y dy by dx is equals to 4a की वैल्यू मैं रख सकती हूं कितनी, y square by x, तो ये बन जाएगा dy by dx is equals to y by 2x, तो ये you can write 2x dy by dx minus y is equals to 0, ये हमारी differential equation बन गई, right? इसमें कोई भी arbitrary constant नहीं है, आप चाहते तो यहाँ पे value रख सकते थे, a की value उठा के यहाँ से भी रख सकते थे, y square by 4x यहाँ भी रख सकते थे, और मैंने यहाँ पे direct 4a में रख दी, तो भी ये की बात है, right? तो ये differential equation का answer नहीं है, ये formulation नहीं हुआ, ये हुआ formulation, right? जहाँ पे एक भी arbitrary constant नहीं होना चाहिए, okay? Now, similarly, अब इस example को बात करें, तो इस example एग्जाम्पल में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, y is equals to a e x plus b e to the power minus x है, मुझे इससे भी क्या बनाना है, फॉर्मुलेशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, y is equals to a e power x है, तो सबसे पहले एक बार कर देते हैं, बिकॉज यहां पे मुझे दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो हो सकता है दो बार करना पड़े, लेकिन सबसे पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन करें, तो dy by dx is equals to a e to the power x और minus b e to the power minus x बन जाएगा, e power x का e power x, e power minus x का minus
माइनस ई पावर माइनस एक्स बन जाएगा, तो ये बनने वाला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। अब अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि मुझे इसको रिमूव करना है तो एक बार और करना पड़ेगा, तो इस डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये रह जाएगा ए ई टू द पावर एक्स फिर से, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। तो अब अगर आप बोले कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए कि इसमें फॉर्मुलेशन हो गया, आपने बोला था दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, ये हमने कर दिया दो बार डिफरेंशिएशन, टू टाइम्स हो गया, क्या इसका आंसर ये है? जी नहीं, राइट। तो क्या होगा, मैंने अभी बताई आपको ये बात, यहां पे इसका आंसर ये क्यों नहीं हुआ, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लास्ट में जो स्टेप आएगी, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल बना रहे हैं, उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो यहां पे इसको हटाना है, हटाना है तो आप देख सकते हो ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स क्या है, खुद वाई है, तो आप लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू वाई, या डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस फंक्शन और फॉर दिस कर्व, राइट। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये बहुत बेसिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जहां ऑर्डर, डिग्री और फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है।